पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गुरुवार को विपक्षी नेताओं के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय की छापेमारी को गंदा राजनीतिक खेल करार दिया। ममता बनर्जी ने केंद्र की बीजेपी सरकार की जमकर आलोचना की। एकटाओ की बीजेपी नेतादेर बाड़ी रेड होए छे, एकटाओ की बीजेपी डाकातदेर बाड़ी रेड होए छे, एकटाओ की बीजेपी मंत्रीदेर बाड़ी रेड होए छे, एकटाओ की बीजेपी चोरदेर बाड़ी रेड होए छे। कथा आछे, ममता बनर्जी पूरे जोश में थी। उन्होंने कहा कि बीजेपी नोटबंदी और जीएसटी लागू करने सहित कई गलत फैसले लेकर देश के इतिहास को बदलने की कोशिश कर रही है। इधर कोनो कोनो नेता विदेश गेले देखा है तारा ने कि सबाई के भालोबाशे, सबका साथ सबका विकास, और सारा देशेर सबका साथ सबका सत्यानाश। ममता बनर्जी का बयान ईडी के छापों को लेकर था, जो करोड़ों रुपए के कथित राशन वितरण घोटाले की जांच के सिलसिले में टीएमसी मंत्री ज्योति प्रिय मलिक और दूसरे नेताओं के घरों पर मारा गया था। इसे बालू का शुगर है, बहुत तबीयत खराब है। अगर वो मर जाएगा तो हमको बीजेपी का खिलाफ में एफआईआर करना पड़ेगा, ईडी का खिलाफ में भी करना पड़ेगा। क्या अत्याचार, क्या अनाचार चल रहा है। पॉलिटिकली आप लड़ाई करो, हमारा कोई इतराज नहीं है, हमारा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पैथोलॉजिकल लायर मत बनो। उधर बीजेपी नेता राहुल सिन्हा ने दावा किया कि टीएमसी गहराई तक भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। उसके कई नेता भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना कर रहे हैं। बीजेपी तो ईडी को नियोग नहीं किया, ईडी को नियुक्त किया कलकत्ता हाईकोर्ट ने। हाई कोर्ट का आदेश पर ये छानबीन हो रहा है, इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, इसीलिए कुछ जो भी है पूरा हाई कोर्ट का जिम्मेदारी में हो रहा है। इसीलिए बेमतलब बीजेपी को गाली देके विषय को पॉलिटिकलाइज करने का जो साजिश ममता बनर्जी कर रहा है, हम उसका निंदा करते हैं। ईडी अधिकारियों ने राज्य में अलग अलग जगहों पर तलाशी ली है। इनमें खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री रतिन घोष और शहरी विकास मंत्री फिरहाद हकीम का घर भी शामिल है।